हेलो एवरीवन, आज के स्टूडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 21.1 केसेस इन अ क्लास लेवल। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 इसमें -1 to 1 x^5 e^x^8 dx, ठीक है ना। तो ये -a to a जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन है मॉडुलस वगैरह नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें? ऑड इवन के बारे में सोचना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 5 याद करो आप। ये -a to a f(x) dx इज इक्वल टू, ये क्या देता था आंसर? 0 देता था। कब? जब f(x) क्या हो जाए? f(x) इज ऑड। जब f(x) क्या हो जाए? ऑड। और ये क्या देता था? ये अगर इवेंट हुआ तो ये -a to a ना हो करके ये 0 to a बन जाता था, और आगे 2 मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे f(x) dx ये देता था। कब? जब f(x) क्या हो जाए? f(x) इज इवन। जब f(x) क्या हो जाए? इवन हो जाए। अच्छा, ऑड इवन पहचानते कैसे हैं? तो अगर आपको ऑड पहचानना हो चाहे इवन पहचानना हो, आप x की जगह -x रखना, पूरे फंक्शन में x की जगह -x। अगर आपके पास -f(x) आया तो ये ऑड हो जाएगा, और अगर आपने -x रखा और आपके पास +f(x) आया तो ये इवन हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग क्या चेक करेंगे? ऑड इवन चेक करेंगे। कैसे? हम लोग इसको पहले f(x) मान लेंगे। लेट f(x) इज इक्वल टू x^5 e^x^8। क्या करेंगे? x की जगह -x रखेंगे, तभी तो हम लोग ऑड इवन पहचान पाएंगे। जहां भी x है वहां पर क्या रखेंगे? -x। तो ऐसा करने पर -x^5 क्या आ जाएगा? -x^5 ही आ जाएगा। यहाँ पे -x^8 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x^8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का पावर इवन नंबर है। तो आप देखोगे ये आपका क्या था? यही तो f(x) था, तो ये क्या बन गया? -f(x) बन गया। ये क्या बन गया? f(x) और ये माइनस पहले से था, तो f(-x) -f(x) आ गया। तो क्या बोलेंगे? f(x) इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। अब जैसे ही ऑड आया हम लोग क्या बोलेंगे? -1 to 1 x^5 e^x^8 इनटू dx इज इक्वल टू 0। कैसे? बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी 5। आप लोग पूरा प्रॉपर्टी लिखोगे, ठीक है ना? ऐसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 का। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 देखते हैं। 37 में क्या है? -π से π और साइन के पावर क्या है? 5x dx। साइन के पावर क्या है? 5x इंटू कॉस एक्स। अब आप देखो यहाँ भी ऑड इवन की प्रॉपर्टी रहेगा। कैसे सोचा हमने? -a to a जैसा दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑड इवन की प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं। तो पहले पहचानना पड़ेगा ऑड है या इवन है। तो क्या करेंगे? पहले इसको हम लोग f(x) मान लेंगे। ये रहा f(x) कौन? sin^5x cos(x). ऑड पहचाना हो इवन पहचाना हो, आपको x की जगह क्या करना चाहिए? -x रखना चाहिए। तो जैसे ही x की जगह हमने -x रखा, यहाँ 5 पावर cos(-x), तो आपको पता होगा sin(-x) -sin(x) होता है, और उसके पावर में 5 है, तो 5 ऑड है, तो ये माइनस अपना बाहर दे देंगे। क्या दिखेगा इसमें? इसमें ऐसा दिखेगा -sin^5x cos(x). देखो cos(-x) cos(x) होता है, आप लोग क्लास 11 में पढ़े हो। तो यही चीज क्या था? f(x) था। तो ये फाइनली क्या मिल गया? -f(x) मिला। तो हम लोग f(-x) लेके चले थे, -f(x) आया, तो f(x) क्या है? ऑड है। इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है ना? आपको लिखना, आप इस तरह से लिख सकते हो। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज से चाहो तो नोट कर सकते हो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 37 38 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38, तो अब तो मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे दूंगा, आप लोग बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, -1 to 1 है और x^e^(-x^2) - x^2 - x^2 भी है, - tan^2x भी है, - dx। ये क्वेश्चन क्या करना है? x की जगह आपको -x रखना है। कैसे पता चला हमें? ऑड इवन लगाना चाहिए। -a to a जैसा कुछ दिख गया तो हमें पहले फंक्शन को f(x) मान लेना चाहिए। इसको f(x) = x^e^-x^2 और tan^2x।
तो क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, क्यों, ताकि हम ऑड इवन पहचान पाए। एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, जहां भी एक्स है वहां पर क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो माइनस एक्स माइनस ही रहेगा, ये देखो ये माइनस पहले से ही माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और टैन ऑफ माइनस एक्स माइनस टैन एक्स होता है, लेकिन उसपे पावर टू है तो प्लस टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो चीज था इसका नाम एफ एक्स था, देखो इसी का नाम एफ एक्स है, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, क्या लेके चले थे, एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चले थे, तो यानी कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज ऑड, और अगर ये एफ एक्स ऑड हुआ तो ये आंसर क्या देगा, जीरो देगा, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का भी आंसर जीरो आ गया। अब हम लोग 38, 39 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39, 39 को आप ध्यान से देखो, तो इस पर लिखा हुआ है माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स टू पावर फोर इंटू डी, क्या करेंगे हम लोग, माइनस ए टू ए है, क्या माइनस ए टू ए, तो जैसे ही माइनस ए टू ए जैसा कुछ दिखा तो हम लोग ऑड इवन जरूर सोचते हैं, तो क्या करेंगे इसको, हम लोग एफ एक्स मान लेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स टू पावर फोर, ऑड इवन पहचानने के लिए एक्स के जगह माइनस एक्स रखते हैं, माइनस एक्स जहां भी एक्स है वहां पे माइनस एक्स रखते हैं, तो आप देखो कि बाहर वाला माइनस तो एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स टू पावर फोर तो प्लस एक्स टू पावर फोर हो जाएगा, और आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो चीजें हैं इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है एफ एक्स, इसी का नाम क्या है एफ एक्स, तो हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चले थे, माइनस एफ एक्स आ गया, इसका मतलब एफ एक्स इज ऑड, एफ एक्स इज ऑड, और जैसे ही ये ऑड आया इसका आंसर क्या बोलेंगे, जीरो, ठीक है ना, ऐसा, यानी क्वेश्चन नंबर 39 इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ गया, सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 40 नंबर का है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अच्छा ये 39 नंबर प्रूफ कर रहा है ना, प्रूफ दैट इसका आंसर जीरो आया, बिल्कुल जीरो आया, सही है, एलएचएस लेके चलना है, एसएस लिख देना, तो एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 का लिए बात करते हैं 40 पे, तो ये जो अभी जितना भी आपके सामने भी क्वेश्चन आ रहा है ये किस फॉर्म में है, ये सभी ऑड इवन जैसा प्रॉपर्टी लग रहा है, ऑड इवन कैसे पहचानते हैं ऑड इवन आएगा, तो लिमिट को देखकर, लिमिट अगर माइनस ए टू ए है तो हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं कौन सा, ऑड इवन वाली, लेकिन अगर मॉडुलस के अंदर अगर क्वेश्चन आ गया और आगे तो लिमिट वो माइनस ए टू ए जैसा है तो वहां हम लोग इसको नहीं लगाते, वहां प्रॉपर्टी नंबर हम लोग फोर यूज करते हैं ताकि हम लोग उसमें लिमिट ब्रेक कर सके, ठीक है, तो पहचान सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं, 40 नंबर देखो, 40 में क्या है, 40 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू से टू, माइनस टू से टू एफ ऑफ एक्स टू पावर फोर, एफ ऑफ एक्स टू पावर फोर, ठीक है, और इंटू डी इंटू डी, ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू आना चाहिए 2 इंटू जीरो से 2 और एफ ऑफ एक्स टू पावर 4 इंटू डी, इतना बराबर ये प्रूफ करना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए हम लोग पहले LHS पकड़ लेंगे, LHS क्या है, माइनस टू से टू और एफ ऑफ एक्स टू पावर फोर इंटू डी, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें ऑड इवन पहचानेंगे, ऑड इवन पहचानने की क्या जरूरत है, क्योंकि माइनस ए टू ए जैसा लिमिट दे दिया और अंदर मॉडुलस नहीं है, तो हम लोग पहले इसको एफ एक्स मान लेंगे, ऑड इवन पहचानने के लिए एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स टू पावर फोर, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू पावर फोर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f ऑफ माइनस x किसके बराबर आ गया, माइन प्लस एफ एक्स के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, यही ना एफ एक्स था, देखो आप यही एफ एक्स था, तो f ऑफ माइनस x प्लस एफ एक्स के बराबर आ गया, मतलब ये इवन फंक्शन है, तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, और अगर ये इवन फंक्शन है तो हमारे पास एल एच एस है माइनस टू से टू, ये जो हमारा एल एच एस है माइनस टू से टू एफ ऑफ एक्स टू दी पावर फोर इंटू डी एक्स, तो जैसे ये इवन फंक्शन आया तो इसका आंसर तो जीरो नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसमें आगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट जीरो से टू हो जाएगा, जो माइनस टू से टू था वो क्या हो जाएगा, जीरो से टू, ठीक है, और आगे जो फंक्शन है वो फंक्शन लिख देंगे एन टू डी एक्स, आप देखोगे यही आपका आर एच एस, ठीक है ना, यही आपका आर एच एस प्रूफ हो गया। चलिए 41 पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 इंटीग्रेशन ऑफ 41 माइनस वन टू वन और e to the power mod of x into dx, ठीक है ना, क्या किया जाए, मॉड आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये पहचानना पड़ेगा मॉड के अंदर जो x है किस इंटरवल में पॉजिटिव, किस इंटरवल में नेगेटिव,
है ना। तो ये जो एक्स है आपको पता होना चाहिए माइनस वन से वन में, माइनस वन टू जीरो में ये निगेटिव आएगा, जीरो टू वन में पॉजिटिव आएगा। अगर आपको कॉमन सेंस काम करता है तो, अगर आपका कॉमन सेंस काम नहीं करता तो क्या करोगे आप, मॉड के अंदर बैठे हुए एक जो भी एक्सप्रेशन हो उसको जीरो के सामने बिठा देना, वहां से फिर एक्स का वैल्यू निकाल देना। यहाँ तो ऑलरेडी एक्स का वैल्यू निकल गया, आप क्या करेंगे नंबर नाइन पे सजा देना है, इस जीरो को लिख देना, उसके रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट अपर लिमिट रख देंगे, लोअर लिमिट लेफ्ट साइड अपर लिमिट राइट साइड, ठीक है ना। अब आप चेक करो कि इस इंटरवल पे एक्स क्या है, तो आप देखोगे तो निगेटिव है, ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन हमारा है उसको ब्रेक करेंगे, माइनस वन टू वन ई टू द पावर मॉड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे माइनस वन टू जीरो ई टू द पावर मॉड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस और फिर जीरो टू वन ई टू द पावर मॉड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ हमने ऑड इवन की प्रॉपर्टी नहीं लगाया है, कौन सा प्रॉपर्टी लगाया है, प्रॉपर्टी नंबर टी फोर है ना, प्रॉपर्टी नंबर फोर लगाया है, बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी फोर है ना। तो आप लोग पूरा प्रॉपर्टी लिखना। तो अब देखो, अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये माइनस वन से जीरो में ये जो एक्स क्या है निगेटिव है, तो मॉड से जब ये बाहर आएगा तो क्या करेंगे, अलग से एक माइनस लगा देंगे, कहाँ पे, एक्स के जस्ट बगल में, मॉड हटाएंगे वहीं पे लगा देंगे माइनस, तो ये हो गया डी एक्स, फिर प्लस। अब जीरो टू वन में एक्स क्या पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, एज इट इज मतलब जैसा है वैसा ही बाहर आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, इधर पर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इतना ही होगा, लेकिन एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से आता है माइनस वन से जीरो। अब यहाँ देखो इधर पर एक्स का इंटीग्रेशन इतना ही होगा, और ये जीरो टू वन सही ना, और एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वन है। तो अब बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट जीरो है, एक्स से जीरो रखेंगे तो इधर पावर जीरो क्या हो जाएगा वन, किसी भी नंबर पावर जीरो क्या होता है वन, फिर बीच में क्या देंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस वन रखेंगे एक्स की जगह, माइनस ही पहले से तो प्लस वन हो जाएगा, यानी ई टू द पावर प्लस वन आएगा, तो पावर को लेने की जरूरत नहीं, प्लस यहाँ बोलो ई टू द पावर क्या हो जाएगा वन, लेने की जरूरत नहीं पावर में, और ई टू पावर जीरो क्या हो जाएगा वन, ठीक है ना। सो सॉल्व कर देंगे तो जाएगा माइनस वन प्लस ई और प्लस ई माइनस वन, आंसर कितना आएगा टू ई माइनस टू, तो ये इसका आंसर आता है। ये क्वेश्चन नंबर 41। अब हम लोग 42 पे बात करेंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पास करके नोट कर लेना। तो आप देखोगे कि जब इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन अगर मॉडुलस में है तो वहां पे हम लोग लिमिट ब्रेक करके यूज करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। और अगर मॉडुलस ना हो और बाहर में माइनस ए टू ए जैसा दिख जाए तो वहां पे हम लोग ऑड इवन जरूर सोचेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। तो 42 में बहुत सारे क्वेश्चन, शायद दो क्वेश्चन है ना, देख लेते हैं। 42 में दो क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देख लो। 42 का पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन, और क्या लिखा है, साइन टू द पावर 5x कॉस टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 5x इनटू कॉस टू द पावर 4x डीएक्स, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो ये ऑड फंक्शन है, कैसे पता चला, x जगह जैसे ही माइनस x रखोगे तो माइनस बाहर हो जाएगा क्योंकि पावर में क्या ऑड है, और कॉस ऑफ माइनस x तो प्लस ही होता है, तो इसका मतलब आगे माइनस आने वाला है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है इसका आंसर क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे, उम्मीद आप इसको बना लोगे, है ना, ऑड फंक्शन। देखो अगर आपके दिमाग में प्रॉपर्टी याद नहीं है, जैसे मान लो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो एग्जाम में क्वेश्चन ये लिख के नहीं आ रहा है कि प्रॉपर्टी आप लगाइए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप देख लेना कि देखो x के पावर कितना खतरनाक है 17 है, और cos के पावर 4x भी, तो आप समझ जाना जरूर ये प्रॉपर्टी से बनेगा। और अगर माइनस वन से वन है, यानी कि ये तो गारंटी दे रहा है कि आप ऑड इवन लगाइए, मतलब प्रॉपर्टी लगाइए, तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रॉपर्टी लगाओगे सॉरी, तो यहाँ पे x का माइनस x रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और cos के पावर 4 है और ये cos ऑफ माइनस x करोगे तो प्लस बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस ही बाहर आ जाएगा, कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन, क्या देगा आंसर जीरो, आप बना सकते हो, अगर यहाँ पावर इवन होता तो ये इवन फंक्शन हो जाता,
क्योंकि पावर में ऑड है तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, इसलिए क्योंकि एक्स की जगह आप माइनस एक्स रखोगे तो माइनस बढ़ आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा और माइनस ए टू ए लिमिट है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पावर सेवन की जगह पावर फोर होता, पावर टू होता, तो ये जीरो आंसर नहीं देता। शायद 44 नंबर क्वेश्चन यही है, 43 था ये, 44 नंबर, हाँ बिल्कुल 44 नंबर में देखो क्या किया इसने, इसने क्या माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू लिमिट से लिया और यहाँ पे सेवन की जगह टू कर दिया, अब इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। आप बोलो क्यों, क्योंकि ये ऑड फंक्शन नहीं है, इवन फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये इवन फंक्शन तो मैं दिखा देता हूँ कैसे, देखो पहले आप एफ एक्स बोलोगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो जहां भी एक्स है वहां पे क्या रखोगे, माइनस एक्स के पावर टू है तो साइन ऑफ माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन उस पर स्क्वायर है क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो साइन साइन स्क्वायर एक्स पर एफ एक्स बोले तो ये बन गया एफ एक्स, तो आप देखोगे एफ ऑफ माइनस एक्स से लेकर चले और प्लस एफ एक्स आया, तो इसको क्या बोले, एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स इज इवन। और अगर ये इवन फंक्शन है तो हमारे को जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो कुछ ऐसा था माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू और ये था साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू ना लिखकर हम लोग जीरो से पाई बाय टू लिखेंगे, आगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे और जो अंदर फंक्शन है वही फंक्शन लिखेंगे, ऐसा कौन बोला था, प्रॉपर्टी नंबर फाइव, ठीक है। इसमें अगर इवन आता तो ऐसा लिखते, अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आप लोग जानते हो कैसे करते हैं, इसको हम लोग मल्टीपल एंगल में तोड़ते हैं, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स बाई टू और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई बाई टू, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू, तो टू से टू कट जाएगा, क्या बचेगा साइन पाई बचेगा, साइन पाई क्या होगा जीरो हो जाएगा, साइन एन पाई जीरो होता है तो साइन पाई भी जीरो होता है, माइनस नोट लिमिट जीरो रखते हैं जीरो माइनस यहाँ पे जीरो रखते हैं साइन जीरो जीरो, तो आंसर आएगा सिर्फ पाई बाई टू, तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है ना, आपने देखा। अब हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 44-45 में बात करते हैं, देखो 45 में तो बहुत ही आसान पूछ दिया उसने, देखो इसी में हो जाएगा 45, देखो इसने ऐसा लिखा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू और साइन के पावर साइन साइन एक्स डी एक्स, तो पावर देखो पावर क्या है ऑड है, माइनस ए टू ए लिमिट भी है, तो आप समझ लिए ऑड फंक्शन है, तो आंसर क्या देगा ये जीरो देगा, क्वेश्चन नंबर 45 में, तो 45 नंबर आंसर क्या देगा जीरो, चूंकि ये क्या है ऑड फंक्शन है, सही ना। तो 45 भी हो गया, हम लोग बात कर लेते हैं 46 पे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग को लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, तो सिर्फ ऑड इवन पहचानना होता है, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है ना। इवन फंक्शन में क्या करना होता है, जो लिमिट होता है वो जीरो से स्टार्ट कर देते हैं और जीरो से एक कर देते हैं, आगे टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो अंदर फंक्शन है वही फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है ना, उम्मीद है आप ये समझ रहे हो। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी को इसका फायदा मिल पाए। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, 46 नंबर, इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन टू वन लॉग ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस ए टू ए जैसा कुछ आपको दिख रहा है तो क्या करना चाहिए, ऑड इवन के बारे में सोचेंगे, तो फंक्शन को पहले एफ एक्स मान लेंगे, इसको मान लेंगे लॉग ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स, हमने एफ एक्स माना, ऑड इवन पहचानना तो क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, जैसे एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ एक्स की जगह माइनस रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा इसी का रेसिप्रोकल ये दिख रहा है तो इसको रेसिप्रोकल में हम लोग चेंज कर देंगे तो आगे माइनस आ जाएगा और इसको प्लट देगा हम लोग 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स हो गया, ठीक है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स, सही। अगर आपको ये चीज समझ में आए तो मैं आपको समझा देता हूँ, log of x to the power minus 1 क्या हो जाता है ऐसा माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा log x हो जाएगा, सही ना। तो ये जो चीजें था इसको तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 by x, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो 1 by x है इसको हमने पलट दिया तो x by 1 आ गया, तो आगे हम लोग माइनस लगा दिया, ठीक है ना, इस तरह से। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, देखो इसके पावर हमने माइनस 1 लगाया तो आगे माइनस आ गया, तो ये फोटो पलट गया। अब बोलो ये जो चीजें हैं और ये चीजें बिल्कुल सेम, इसका नाम fx है तो ये माइनस बाहर रहेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा fx, तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस x,
तो f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस f x आया, इसका मतलब कि f x इज ऑड, f x इज ऑड, और अगर f x ऑड है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये 46 था, ठीक है ना। 47 बात करते हैं, देखो 47 इंटीग्रेशन ऑफ, 47 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, और यहां क्या लिखा हुआ, लॉग लॉग ब्रैकेट में 2 माइनस x, 2 माइनस sin x अपॉन 2 प्लस sin x। क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही ऑर्डिनेट चेक करेंगे, क्योंकि माइनस ए से ए दिख गया हमें और अंदर कहीं पे मॉडुलस नहीं है। क्या बोलेंगे, लेट fx इज इक्वल टू, fx इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, लॉग ब्रैकेट में 2 माइनस sin x अपॉन 2 प्लस sin x, ठीक है ना, इनटू dx। अब जहां भी x है वहां पे क्या रखेंगे, माइनस x रखेंगे, जहां भी x है वहां पे क्या रखेंगे, माइनस x। तो ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में क्या था, 2 माइनस, अच्छा sin ऑफ माइनस x रखेंगे, sin ऑफ माइनस x अपॉन 2 माइनस 2 प्लस sin ऑफ माइनस x। तो इससे होगा क्या, इससे हुआ ये कि log, ये माइनस माइनस, ये माइनस अपना बाहर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2 प्लस sin x, और ये माइनस अपना बाहर जाएगा 2 माइनस sin x। तो आप देखोगे तो ये जो स्टार्ट किए थे हम लोग, इसी का ये रेसिप्रोकल आ गया, इसको पलट देंगे, आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, log इसको पलट दिया, 2 माइनस sin x अपॉन 2 प्लस sin x, ठीक है, और आगे भी कौन है, f ऑफ माइनस x। अब आप अपने ध्यान से देखो, तो आपने किसी को fx माना था, इसको आपने fx माना था, देखो किसी को आप जो fx माने, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ fx। तो हम लोग क्या लेके चले थे, f ऑफ माइनस x लेके चले, माइनस fx है, यानी ऑड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी 0 आ जाएगा, सही ना। 48 पे बात कर लेते हैं, 48 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 48 नंबर, माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 है, माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, यहां पे है sin स्क्वायर x dx, ठीक है ना। तो आपको ये पता है, आपको ये इवन फंक्शन है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 44 बनाए थे वही है, 48 भी है, बिल्कुल सेम है, ये इवन फंक्शन है, तो ये आप चेक करके बता देना ये इवन फंक्शन है। उसके बाद जैसे ही इवन फंक्शन, आप क्या लिखोगे, आगे 2 लिखोगे, यहां माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 हटा के 0 से पाई बाय 4 लिख देना, और यहां क्या लिख देना, sin स्क्वायर x dx। आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, कैसे करोगे बताओ, ये जाएगा 0 से पाई बाय 4, ये जाएगा 1 माइनस cos 2x / 2 * dx, 2 से 2 गायब हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और cos 2x का sin 2x / 2, और लिमिट कहां तक आता है, 0 से पाई बाय 4, पहले अपर लिमिट रखोगे होगी, यानी पाई बाय 4 माइनस, जैसे sin 2 पाई बाय 4 रखेंगे, sin पाई बाय 2 यानी 1 बाय 2 हो जाएगा, sin पाई बाय 2 1 होता है, 1 बाय 2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखते ही पूरा का पार्ट 0 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2। चेक कर लेते हैं, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 बिल्कुल सही है। तो इस चीज को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पर मैंने ये वाला लाइन गायब कर दिया है, इसको fx मानेंगे, x का माइनस x रखेंगे, यहाँ से आपको f ऑफ माइनस x इक्वल टू प्लस fx आ जाएगा, तो उसको हम लोग इवन फंक्शन बोलेंगे, उसके बाद इसको हम ऐसा लिख पाएंगे, ठीक है, आप लोग को लिख देंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, 0 टू 2 पाई, क्या है, 0 से 2 पाई, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर sin x * dx। अब ये क्वेश्चन जो है वो ऑड इवन जैसा है ही नहीं, कैसे पता चला, क्योंकि माइनस ए टू ए जैसा लिमिट नहीं है, इसका मतलब ये ऑड इवन क्वेश्चन नहीं है। तो 0 से 2 पाई है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो, इसलिए उसका नाम है किंग्स प्रॉपर्टी, जब कुछ भी समझ में आए प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो। तो पहले इसको आई मान लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई और 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर sin x dx, और ये हमारे इक्वेशन 1 है। तो हम लोग कौन से प्रॉपर्टी लगाए, बाय डिफॉल्ट, तो क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू 0 टू 2 पाई और 1 अपॉन, जहां भी x से वहां पे क्या रखेंगे, 2 पाई माइनस x, 2 पाई माइनस x, ऐसा ही तो करते थे, तो dx अपर लिमिट माइनस x कर दो जहां भी x है। अब आप बताओ sin 2 पाई माइनस x क्या होगा, क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं, 2 पाई में नो चेंज, तो इसका मतलब ये हुआ कि तो sin की जगह sin लेगा, जो एंगल हो एंगल लेंगे। अब हम लोग प्लस या माइनस सोचेंगे, 2 पाई माइनस x कौन से क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन या कॉस है, यहाँ पे सॉरी कॉस या सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन है तो ये माइनस आ जाएगा इनटू dx। अब इस चीज को e टू द पावर माइनस साइन x को 1 बाय e टू द पावर साइन x लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पावर में माइनस है तो नीचे आ जाएगा पावर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, ये है 2 पाई, लाइन खींच देते हैं, देखो यह आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय e टू द पावर sin x, क्या किया हमने, पावर नेगेटिव था तो माइनस को नीचे लिख दिया। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम e टू द पावर sin x आएगा, वो एलसीएम चला जाएगा ऊपर और यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको ऐसा दिखेगा,
जीरो से टू पाई और e टू द पावर साइन एक्स ऊपर चला गया और यहाँ पे e टू द पावर साइन एक्स प्लस वन आ जाएगा इनटू dx इक्वेशन टू और ये था कौन आई। अब आपको पता है कि दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड। तो जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, तो फ्रॉम यहीं पे ऐड करते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड हमें दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पर जाएगा टू आई इज इक्वल टू लिमिट बिल्कुल सेम है टू पाई जीरो से टू पाई। अब हम लोग इक्वेशन टू इक्वेशन वन को हम ऐड करेंगे तो लिमिट बिल्कुल सेम है, आप डेनोमिनेटर को देखो तो बिल्कुल सेम है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे e टू द पावर साइन एक्स बाद में यहाँ पहले तो बीच में प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे लिखाओ या पीछे लिखाओ एलसीएम बिल्कुल सेम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस e टू द पावर साइन एक्स और ऊपर वाला पोर्शन भी एज इट इज ऐड हो जाएगा वन और यहाँ पे आ जाएगा प्लस e टू द पावर साइन एक्स, तो वन प्लस e टू द पावर साइन एक्स dx। तो आप देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया वन और वन के इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेगा टू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ था जीरो से टू पाई, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसा हो गया। तो आप टू आई इक्वल टू क्या देखोगे टू पाई, टू से टू कैंसिल हो गया आई इक्वल टू पाई, तो ये इसका आंसर हो गया सही ना। तो फाइनली ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, इसमें टोटल मेरे बुक में 49 क्वेश्चन था, मैंने 49 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।